अस्सलाम वालेकुम, ये होंडा सिटी है 2006 मॉडल, 1.3 लीटर इसका इंजन है और ये पेट्रोल पे चल रही है। इसके ऊपर हम सॉरी इसके अंदर हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। गाड़ी अभी स्टार्ट की है हमने, फर्स्ट स्टार्टअप है इसका। और इसके अंदर जो है हमने इंजन रूम में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, क्या कुछ किया है, ये आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। ये हमारा HHO गैस का पाइप है जो कि हमने यहाँ से इसको दे दिया है और ये गैस जो है वो फ़िल्टर से होते हुए इंजन में चली जाएगी और इंजन में जाने के बाद ये गाड़ी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बेहतर कर देगी, जिससे गाड़ी 3 से 5 किलोमीटर तक जो है वो इजाफी चलती है पर लीटर, यानी 30% तक आमतौर पर जो है वो हमें इसके अंदर सेविंग मिलती है हाइड्रोजन किट लगाने के बाद। और पेट्रोल जो है वो जब मुकम्मल जलता है तो गाड़ी का पिक बहुत अच्छा हो जाता है। वो गाड़ियाँ जिन्हें अंडर पावर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ये गाड़ी जो है वो अंडर पावर फील होती है, तो वो ये हाइड्रोजन किट लगा लें, सेविंग ना करें, तो गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो पावर का वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है इससे। इसके अलावा अगर आप सेविंग चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने इनहांसर लगा दिया है अंदर, तो उसको ऑफ़ कर दें तो पावर जो है वो नॉर्मल से बहुत अच्छा हो जाता है। वो भी अभी दिखाएंगे आपको कि ये इनहांसर कैसे काम करता है, ठीक है जी। और इसके साथ ही हमने एक अदद रिले लगा दिए, फुल स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो रिले से करंट जाएगा और किट जो है वो गैस बनाना शुरू कर देगी। स्टोरेज इसमें किसी किस्म का कुछ नहीं होता, गैस का गैस बनती है और इस्तेमाल हो जाती है, ये कम्प्लीटली सेफ़ है। अच्छा जी, इंजन के ऊपर इसके क्या क्या जो है वो इफ़ेक्ट होता है, तो कार्बन जितना भी है इंजन के अंदर वो सारा का सारा साफ़ हो जाएगा। एक नंबर दो, ओवाल जो है वो सारे साफ़ रहेंगे और पिस्टन जो है वो साफ़ रहेगा, प्लग साफ़ रहेगा। कैटलिटिक कन्वर्टर जो कि कार्बन जमा होने की वजह से चौक होने लगता है, तो HHO जो है वो उस कैटलिटिक कन्वर्टर को क्लीन रखता है और अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर जो भी कार्बन जमा हुआ होता है उसको निकाल के बाहर कर देगा। और इंजन ऑयल जो है वो उससे ज़्यादा चलता, ज़ाहिर है पेट्रोल जब ज़्यादा जल जाएगा तो जो है ये आपके कार्बन जो है वो कम से कम उसके अंदर जाएगा, तो इंजन ऑयल डबल चला जाता है। ये हमारी वायर अभी तो नज़र नहीं आ रही, ये रही, ये यहाँ से ये होते हुए चली जाती है फ्यूल लाइन के साथ साथ डिग्गी तक, जहाँ हमने किट रख रखी है। और ये अगर आपको नीचे से मैं दिखाऊँ तो हमारी जो पाइप है हमारा वो ये जा रहा फ्यूल लाइन के साथ साथ होते हुए ये, और पीछे इस तरह से हमने डिग्गी के अंदर इसको निकाल दिया है, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारी किट आ गई जो कि एक कोने के अंदर हमने रख दी है, कोई ख़ास जगह नहीं घेरती है, सारी डिग्गी खाली पड़ी है। कोई इसका वज़न भी मुश्किल से कोई 10 किलो पानी वगैरह डालने के बाद इसका इतना वज़न जाता है। इसमें पानी का लेवल जो है वो यहाँ से देखा जाता है, ये लो और हाई मेंशन है इसके ऊपर। 350 से 400 किलोमीटर चला लें तब जाके इसके अंदर पानी रिफ़िल करना पड़ता है, और वो भी कोई तकरीबन 350 से 250 ml के करीब जो है ना इसके अंदर वो करना पड़ता है, डालना पड़ता है। इसके अलावा ये बबलर है, ये बबलर है और इसके अंदर पानी यहाँ से डल जाता है, ये कम डालना पड़ता, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है वो इसके अंदर पानी नहीं डालना पड़ता, इसका पानी जल्दी खर्च हो जाता है तो इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है, ठीक है जी। और ये हमारी किट हो गई जो कि इस वक्त कोई 5-5.70 इस तरह से करंट ले रही है, ये ठीक है इस गाड़ी के लिहाज से, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और अभी जब क्योंकि ये स्टार्ट की है तो पानी इसके अंदर जो है वो वाटर ड्रॉपिंग काफ़ी ज़्यादा है, और रेस देंगे तो आ जाएगा काफ़ी सारा बाहर। तो ये इस तरह से जो है वो गाड़ी वाटर ड्रॉप स्टार्ट हो जाती है, कार्बन इमिशन कम हो जाता है, जो नॉक्स की स्मेल आती है चुभने वाली वो बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि हमने पेट्रोल को मुकम्मल जला दिया HHO गैस दे के, ठीक है जी। तो ये इफ़ेक्ट इसका नज़र आ रहा है, एक मिनट पानी आ रहा है, बहरहाल तो रेस देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, गिरेगा। इसी तरह से ये इंजन वगैरह पूरा वॉश करके साफ़ कर देगा, और ये फिर हमेशा जब तक किट इसमें HHO चलती रहेगी ये हमेशा साफ़ रहेगा। आखिरी चीज़ जो है जो कि इनहांसर, वो हमने अंदर रखा हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते चलते हैं। अभी रहने दें। जी तो ये है हमारा इन्हांसर, ये अभी ऑन किया हुआ है,
और इसको चलते हुए एडजस्ट करें तो बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है ये। जितना हम इसको आगे घुमाते जाएंगे सेविंग बढ़ती चली जाएगी, लेकिन फिर गाड़ी जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, यानी पेट्रोल इससे कंट्रोल होता है। अगर मैं पेट्रोल ज़्यादा कम कर दूंगा और जितनी हमने HHO गैस दी है उससे भी ज़्यादा, तो फिर गाड़ी वाइब्रेट करती है, चलते हुए जो है वो उसके अंदर वो पावर नहीं फील होती। तो इसको चलते हुए ज़्यादा अच्छा एडजस्ट हो जाता है ये। ज़ीरो का मतलब है कि नॉर्मल फ्यूल जा रहा है, कोई सेविंग इसके अंदर कोई ख़ास नहीं होगी, बहुत हल्की सी होती है, क्योंकि पेडल बहुत अच्छा फील होता है, बहुत हल्का फील होता है, पावर बढ़ जाती है, तो उसमें इतना अच्छा जो है वो सेविंग नहीं आती। इसको बढ़ाते चले जाएँ, जहाँ लगे कि अब जो है वो गाड़ी पहले जैसी ही चल रही है, तो वहाँ हम इसको चलते हुए गाड़ी को फिर वो एक मरतबा सेट करके छोड़ देंगे। इन केस फिर कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं लोग ज़्यादा हैं या चढ़ाई पे चल रहे हैं, तो उसको ऑफ़ कर दें। जब ऑफ़ कर देंगे तो गाड़ी नॉर्मल फ्यूल डालेगी, सेविंग जो है वो आपकी बंद हो गई, पावर बढ़ जाएगी, चला लें। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े कि भाई वापस इकोनॉमी, तो इसको ऑन कर लें। तो ये ड्राइवर के हाथ में है, हमने यहाँ रख दिया, तो उसको बार बार मूव करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। खैर ठीक है जी, इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा यहीं पर, या ये खुला रहे। ठीक है जी, ये हो गया इनहांसर, इसकी चलते हुए सेटिंग कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ये आ गई गाड़ी, काफ़ी चली हुई है।